स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स पर। सो व्हाट इज वेरिएबल? थोड़ा सा पहले साइट पे आ जाता हूँ मैं, infobian.com ओपन किया, ट्यूटोरियल पे आ गया। कुछ मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, तो बेसिक पे अपन डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड वाले पार्ट में, वेरिएबल एंड डेटा टाइप पर, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट, है ना, तो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप पे हमें डिस्कस करना है। वैसे तो वेरिएबल बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। वापस से मैं छोटा सा एक, ठीक है, कंटेंट बताता हूँ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, वैसे इसका मैंने बताया था एक, हाँ ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है? जो किसी भी टाइप की वैल्यू या डेटा को स्टोर करता है उसे वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और ये एक नाम होता है जो अपन खुद अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, किसका, किसी मेमोरी एड्रेस का, पता है सभी को बहुत अच्छे से। डेटा टाइप डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होना चाहिए या होगी। सो बेसिकली डेटा टाइप विल डिफाइन और डिसाइड व्हाट वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन वेरिएबल, एंड यू कैन से डेटा टाइप विल डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेरिएबल और डेटा, ठीक है। तुम्हारे डेटा का जो स्ट्रक्चर है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर, किस प्रकार का डेटा होगा, वो कौन डिसाइड करता है? डेटा टाइप डिसाइड करता है ना। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मेमोरी। हमारे ब्रेन के अंदर अपन बहुत सारे लोगों को स्टोर करके रखते हैं, है ना, कि भैया ये जो है ये स्वर्ण है, ये अक्षत है, ये आकाश है, ये नैन्सी है, ये इमरजेंसी है, ये फैंसी है, जो भी है, तो याद रखते हैं अपन, ठीक है। तो ऐसा ये डिटेल याद रखना। किसी का बर्थडे है कि बोले आज तुम्हारा बर्थडे, याद रखते हैं। किसी से पैसे लेने हैं, याद रखते हैं, भूल जाते बाकी देने वाले, तो लेना है याद रहता है, ठीक है। इसके अलावा किसी का कॉन्टेक्ट डिटेल याद रखते, तो ये क्या है एक्चुअली, तो दिस इज अ कंप्लीट डेटा एंड वेरिएबल, ठीक है। वैल्यू या डेटा को अपन लेटरल भी बोलते हैं, बताया था मैंने। सो बेसिकली डेटा टाइप जो डेटा को आइडेंटिफाई करता है, वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है, और जो डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है उसे डेटा टाइप कहते हैं। बहुत अच्छे से मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहा हो, एग्जाम्पल लिया है मैंने बॉटल वाला, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था। क्या है ये बॉटल का एग्जाम्पल? बॉटल क्या है? एक कंटेनर है, कंटेनर है, ठीक है। उस कंटेनर को हम बोलेंगे वेरिएबल, जो वैल्यू को स्टोर करता है। बॉटल के अंदर, उस कंटेनर के अंदर क्या रखा है? चाय, पानी, दूध, क्या रखा हुआ है, वो उसकी वैल्यू है, वो उसका डेटा है, वो उसका लिटरल है, ठीक है। और किस टाइप का कंटेंट उसमें रख सकते हैं? क्या हम टेबल्स को रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। क्या शूज की शॉप को रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो उसमें क्या कंटेंट रख सकते हैं? लिक्विड आइटम रख सकते हैं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक रख सकते हो, नारियल पानी रख सकते हो, कोई भी लिक्विड आइटम रख सकते हो। तो उसका टाइप या डेटा टाइप हो गया लिक्विड, याद रख तो ऑल ओके है। आगे बढ़ा मैं, ठीक है। फिर डेटा टाइप्स पे अपन आएंगे। तो डेटा टाइप बेसिकली जावा में तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए, ठीक। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू को स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं? वैल्यू को स्टोर करते हैं। और हर एक डेटा टाइप की, हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की मेमोरी साइज फिक्स्ड होती है। क्या? जितने भी डेटा टाइप हैं, उन हर एक डेटा टाइप की मेमोरी साइज फिक्स्ड होती है कि ये वाला डेटा टाइप इतने साइज की मेमोरी लेगा। समझ में आया, ठीक है। तो क्या होते हैं अपन उस पर डिस्कस करेंगे। तो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं टोटल। कितने होते हैं टोटल? 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। दूसरा होता है डेटा टाइप रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस यानी कि जो एड्रेस को स्टोर करते, वैल्यू को स्टोर नहीं करते। वैल्यू को स्टोर करने वाले कौन? प्रिमिटिव डेटा टाइप। और एड्रेस को स्टोर करने वाले कौन? रेफरेंस डेटा टाइप। इसी को हम कंपोजिट डेटा टाइप भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ ये कंपोज करके बने होते हैं, मिक्स करके बने होते हैं, इसलिए इसको कंपोजिट डेटा टाइप भी बोलते हैं। तीसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या कस्टम डेटा टाइप, जो हम अपने हिसाब से तैयार करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप पे आते हैं अपन। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि जो वैल्यू को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है, उसे प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। और ये अपनी अपनी मेमोरी साइज को फिक्स करके रखते हैं, यानी कि जावा ने पहले से नंबर ऑफ बाइट्स एज पर डेटा टाइप फिक्स करके रखा है। अभी बाइट का मतलब क्या होता है, इस पर भी अपन को डिस्कस करना है। पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि 8 जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं,
वो कौन कौन से हैं। सो इसको दो कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं, एक मैंने बताया था आपको न्यूमेरिक और एक बताया था नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर वाले डेटा टाइप, नंबर वाले टोटल 6 डेटा टाइप है और बिना नंबर वाले यहाँ पर प्रिमिटिव में 2 डेटा टाइप अवेलेबल है। नंबर वाले डेटा टाइप के लिए जो 6 डेटा टाइप है ये दो कैटेगरी में अगेन डिवाइड किए गए हैं, एक नंबर पॉइंट वाला हो सकता है और एक नंबर बिना पॉइंट वाला हो सकता है। बिना पॉइंट वाले नंबर्स को हम इंटीग्रल नंबर्स बोलते हैं और पॉइंट वाले नंबर्स को हम फ्लोटिंग पॉइंट्स बोलते हैं, जिसमें बिना पॉइंट वाले यानी कि इंटीग्रल नंबर्स के लिए डेटा टाइप जावा ने आपको 4 तैयार करके दिए हैं। कितने डेटा टाइप? 4 डेटा टाइप तैयार करके दिए हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। कितना, कौन कौन से? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये 4 डेटा टाइप। और पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए 2 डेटा टाइप है, फ्लोट एंड डबल। और अब आते हैं नॉन न्यूमेरिक वाले में, तो 2 डेटा टाइप यहां पर अवेलेबल है, ऐसे ऐसे टोटल 8 हो गए। 2 कौन कौन से? एक है कैर और एक है बूलियन, मैंने बता चुका हूं। तो ऐसे 8 टोटल डेटा टाइप है, कौन कौन से? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, बूलियन, फ्लोट डबल, या बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट डबल, कैर। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट डबल, कैर, बूलियन। 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 4 आपको याद रखने हैं, इंटीजर वाले बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोटिंग वाले 2, फ्लोट डबल, कैरेक्टर के लिए सिंगल कैरेक्टर, कैर डेटा टाइप, और ट्रू फॉल्स को स्टोर करने के लिए बुलियन डेटा टाइप। ऐसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट डबल, कैर, बुलियन। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट डबल, कैर, बुलियन। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट डबल, कैर, बुलियन। ऐसे 8 डेटा टाइप प्रिमिटिव है। सबकी मेमोरी साइज जावा ने फिक्स करके दी है कि भैया यदि आप बाइट डेटा टाइप का यूज करोगे तो नंबर को स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी दी जाती है 1 बाइट की, 1 बाइट की। इससे ज्यादा डेटा आप रख नहीं पाओगे। अब बोले सर हमको क्या पता कि 1 बाइट में कितना रखते, तो अभी अपन उसको निकालना सीखते कि कितना रखते। 1 बाइट यानी कि 8 बिट। अब बोले सर 8 बिट भी नहीं पता अपन को, अपन को तो नंबर बताओ 5 नंबर, 25 नंबर, 127 नंबर, 125 नंबर, ऐसे अपन को पता है। अपन को 0101 कितने होंगे, कैसे होंगे, क्या बनेगा, तो वो कंफ्यूजन वाला पार्ट, तो उसको भी अपन इजी वे में समझते हैं। दूसरा है शॉर्ट, 2 बाइट की मेमोरी लेता है, 16 बिट स्टोर करता है। फिर आता है इंट, इंट लेता है कितने, 4 बाइट की मेमोरी। 4 बाइट मतलब 1 बाइट मतलब 8 बिट, तो भैया कितना हुआ, 32 बिट हुआ। फिर इसके बाद आया लॉन्ग, लॉन्ग कितना लेता, 8 बाइट की मेमोरी लेता है, 8 बाइट की मेमोरी मतलब हो गया 64। अब आए अपन यहाँ पर फ्लोट और डबल पे, फ्लोट 4 बाइट और डबल 8 बाइट। और वहीं पे अपन कैर और बुलियन की बात करें तो कैर लेता है 2 बाइट। मैंने आपको ASCII, एडवांस ASCII और यूनिकोड बताए थे, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जावा में जो कैरेक्टर स्टोर होते हैं उसके लिए यूनिकोड सपोर्ट सिस्टम करता है, यूनिकोड सिस्टम सपोर्ट होता है या यूनिकोड फॉर्मेट में सारा स्टोर होता है। जो भी कैरेक्टर स्टोर होंगे यूनिकोड के फॉर्म में स्टोर होंगे, यानी कि 0 से लेके 65535 तक वाली रेंज बताई थी मैंने, आया। तो यहाँ पर 2 बाइट की मेमोरी लेता है, भैया नंबर भी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो भैया मेमोरी भी ज्यादा चाहिए, लोग ज्यादा है तो क्लास भी बड़ी चाहिए, ठीक है ना। बोले शादी में जाने वाले कितने लोग, बोले 50 लोग। 50 तो भैया बस तो करनी पड़ेगी, कहां तक छोटी छोटी गाड़ियां 4-4 लोगों के लिए ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी टाइप से यहाँ पर तो कैर जो है वो 2 बाइट की मेमोरी लेता है और हमारा बुलियन 1 बाइट की मेमोरी लेता है। बाइट और बिट पे अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, रियल लाइफ आर्किटेक्चर पे डिस्कस करते हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस डेटा टाइप में कितना कंटेंट हमारा स्टोर होता है। तो अपन आते हैं पेंट ब्रश पे, आ जाओ, चलेगा, ध्यान से देखना। हमारे कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट, ध्यान से सुनना उसके बाद लिखना, सबसे छोटी मेमोरी यूनिट 8 बिट की होती है, इससे छोटी मेमोरी यूनिट होती नहीं। पुराने जमाने में भी 8 बिट होती थी, ये समझ लो 8 बिट क्या होते हैं उस पर अपन करते हैं डिस्कस। बट बिट मतलब 01 01 01, ऐसे ऐसे 8 डब्बे समझ लो, उसमें एक डब्बे में 1 0 या 1 1 बनता है, क्लियर है। अभी आप अपने कंप्यूटर को चेक करोगे, राइट क्लिक करोगे दिस पीसी पे, राइट क्लिक जैसे ही किया आपने, प्रॉपर्टीज पे गए, क्या लिखा आ रहा, देखो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई देगा, दिखा
यस और नो, यानी कि 64 बिट 8 बाइट हुई कि नहीं, 8 बाइट्स एक साथ काम कर सकती इतनी कैपेसिटी इसके अंदर। 32 बिट आपने देखा होगा, 64 बिट देखा होगा, x86 देखा होगा, x86 का मतलब 32 बिट ही होता है, नहीं तो 86 बिट सब, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, क्या होता है अपन उस पर डिस्कस करते हैं। तो इसको पहले मैं बंद बंद कर, ये पुराने बैच में बनाया था अभी। हाँ, तो अभी यहां पर अपन ने क्या किया, सबसे छोटी मेमोरी कम से कम 8 बिट तो होती ही है, ठीक। ये हो गई कितने बिट, 2 बिट, ये हो गई कितने बिट, 4 बिट, फिर ये 6 बिट, और ये हो गई, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हैरानी, ओके। ये जो बिट्स अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, 8 बिट अपन ने सबसे छोटी बिट मेमोरी बिट लिखी है 0 8 बिट की, जिसमें से सबसे पहले अर्जुन नहीं आया, अर्जुन कौन है भाई, वो तो छुट्टी लेके चले गई, वो क्या नाम है उसका, मैं तो एग्जाम 1 महीने बाद है अभी चली गई, चलो ठीक है, ऑनलाइन है दोनों, एक मिनट देख लूँ दोनों है ऑनलाइन, हाँ ठीक है, ललिता भी नैन्सी है, बढ़िया चलो। तो अभी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहला जो पोजीशन है, जो पहला मेमोरी है, ये इसका इंडेक्स रहेगा 0, ठीक। फिर आया नंबर 1, इसका इंडेक्स नंबर 2, इसका इंडेक्स नंबर 3, ऐसे ऐसे कहां तक जाएंगे बताओ, बोलो 5 6 और लास्ट वाला 7। बोले सर जिसकी मेमोरी 16 बिट है तो 0 से 15 तक जाएगा, जिसकी मेमोरी 32 बिट है तो 0 से 31 तक जाएगा, 64 है तो 63 तक जाएगा 0 से, क्लियर है। लेकिन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से 2 पार्ट, सबसे पहला पार्ट है पार्ट नंबर 1, इट्स 0 पोजीशन, कौन सी पोजीशन, 0 पोजीशन पे ये अवेलेबल है, पहला पार्ट 0 पोजीशन। दूसरा पार्ट है 1 से लेके कहां तक का, 7 तक वाला, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहला पार्ट कौन सा वाला भैया, 0 वाला, और दूसरा 1 से लेके 7 तक का। जो 0 वाला पार्ट है, जो 0 वाला पार्ट है, यहां पर साइन की बिट स्टोर होती है, और जो 1 से लेके 7 तक का पार्ट है, उस पर डेटा की बिट स्टोर होती है, क्या वापस से सुनो, 0 वाले पर साइन की बिट स्टोर होगी, साइन मतलब प्लस और माइनस साइन होते हैं, प्लस मतलब 0, माइनस मतलब 1, ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा स्टोर होता है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। दूसरा क्या कहा मैंने, डेटा की बिट यानी कि जो वैल्यू है, उस वैल्यू को कन्वर्ट करके 0 1 जो बनेगा वो यहाँ पर स्टोर होगा, क्या बोलती है पब्लिक, समझ में आया, ठीक है। तो साइन की बिट और डेटा की बिट, मान के चलते हैं मेरे पास जो डेटा है वो है 1001 या फिर 1101, ये 13 का है, किसका है, 13 का है, 13 का मैंने लिख दिया। अब सर कैसे होता है वो अपन बाद में सीखेंगे कैसे होता है, बस इतना है अपन एक्सेप्ट कर लो, मान लो तो बोला हो पक्का मान लो, ठीक है। तो 13 का कितना है, 1101, बोले मोबाइल किसका है, बोले 1101 का है, 13 है, ठीक है, तो 1101, तो 1101 लास्ट की 4 पोजीशन पे स्टोर होगा, तो 1 1 0 और 1, बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, हाँ देखो अभी मैं क्या कह रहा था कि जब अपन को 13 स्टोर करना है, कितना स्टोर करना है, 13 स्टोर करना, तो 13 को कन्वर्ट करते हैं ना जब 0 1 में, तो ये बनता है, ये फिक्स अपन नहीं चेंज कर सकते, जब मैं निकालना सिखाऊंगा कैसे बनता है तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। 65 स्टोर करोगे तो आएगा 1 0 0 0 0 0 1, 65 का आएगा,
ऐसे सभी के बनेंगे। तो जो 1101 बना है कितने बिट में है, 4 बिट में है, तो लास्ट के 4 में स्टोर हो जाएगा, आगे की 3 बिट तो खाली है, तो आगे की 3 बिट में खाली की जगह पे स्टोर हो जाएगा 0 0 0। बचपन में सीखा ना कि आगे कितने भी जीरो रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वही कॉन्सेप्ट। लेकिन यदि यहाँ पर कहाँ पर साइन की बिट में, और ये साइन की बिट पहले तो देख लो हमारा 13 कैसा है, माइनस में है कि प्लस में है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए स्टोर होता है 0। क्लियर है कि नहीं, पॉजिटिव के लिए क्या स्टोर होगा 0। यदि साइन बिट हमारा प्लस है तो क्या स्टोर होगा 0, और माइनस है तो क्या स्टोर होगा 1। बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो। पॉजिटिव के लिए 0 स्टोर होता है, नेगेटिव के लिए 1 स्टोर होता है। स्टोर करना समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? ठीक है, इसको बना लो। अब अपन बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं कि जो हमारे पास 1 बाई 2 1 बाई 2 बाई 4 बाई 8 बाई ऐसी डेटा है वो रेंज कैसे निकलेगी। इनकी रेंज फिक्स होती है कि इतना ही नंबर अपन को, क्योंकि अपन को ये थोड़ी याद रहेगा, याद रहेगा कैसा? ये तो मैंने आपको इंटरनल आर्किटेक्चर सिखा दिया कि ऐसा होता है, लेकिन कैसे होता है उस पर अपन को फोकस करना है। ऑल राइट, सो कैसे होगा, सो जस्ट वेट अ मिनट, ऑल ओके, यस और नो? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज कि हमारे पास है यहाँ पर रेंज, क्या रेंज है देखो ध्यान से। तो यदि हम 1 byte यानी कि byte टाइप के डेटा को लेते हैं, देखो डेसिमल वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन फ्लोट एंड डबल टाइप, नॉन डेसिमल यानी कि इंटीग्रल वैल्यू विल बी स्टोर्ड बाइट शॉर्ट एंड लॉन्ग, एंड कैरेक्टर विल बी स्टोर इन कैरी डेटा टाइप, and true and false will be stored in boolean data type, understood or not? तो अभी मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि ये मेमोरी रेंज कहाँ से निकालेंगे। तो डिटेल में आप देख लीजिए डेटा टाइप की डिटेल में। थोड़ा सा और एक चीज मैं बता दूं यहीं पे क्लियर करके कि one byte is equal to one byte is equal to 8 bits, इतना तो सभी को क्लियर है। 2 bytes में कितना बन जाएगा बताओ भाई? हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1024 bytes is equal to 1 KB यानी कि किलोबाइट, किलोबाइट, ओके 1 KB, 1024 KB is equal to 1 MB, 1024 MB is equal to मेगाबाइट, बोलते इसको मेगाबाइट, लिख दूं क्या मेगाबाइट, और 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, गीगाबाइट। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB, गीगाबाइट, पहले इतना लिखो। हो गया, एक और होता है 1024 TB इज इक्वल टू 1 PB,
योटाबाइट, एक्साबाइट, पीटाबाइट, पेंटाबाइट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। पीटाबाइट, क्लियर है? इतना काफी है, अभी इतना लिखो आप, बन जाएगा। ठीक है भाई, अब अपन ने क्या करा, इसको हटा दे रहा हूं। मान के चलो कि हमारे पास सबसे छोटी मेमोरी यूनिट बाइट है, बाइट है, तो बाइट में कितना डेटा स्टोर होगा? बोले सर बाइट यानी कि वन बाइट, वन बाइट यानी कि एट बिट्स, एट बिट्स में डेटा स्टोर होगा, तो एट बिट में कितना होगा? यहां से ऐसे थोड़ी याद रहेगा, एट बिट में कितना होगा, कितना होगा, कितना डेटा स्टोर होगा, तो एट बिट में -128 से लेकर +127 तक के नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। दैट्स इट, ये फिक्स है। कैसे फिक्स है उसको निकाल के मैं सिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है? क्योंकि ये भी याद नहीं रहेगा, छोटी छोटी वैल्यू, तो ठीक है। शॉर्ट में आ गया थी, ये तो वन बाइट था, शॉर्ट में आए तो शॉर्ट की मेमोरी होती है टू बाइट, टू बाइट मतलब 16 बिट्स है ना, 16 बिट्स, 16 बिट्स में कितना स्टोर होगा, ये होगा नहीं, 16 बिट्स में स्टोर होता है -32,767 से लेकर +32,767 तक, क्लियर है? नहीं, यहां पर देख लो, ये पूरा दिया हुआ है मैंने, ये देखो ध्यान से, तो अपन ने दिया है यहाँ पे बाइट जो है, बाइट साइंड टाइप के कंटेंट को स्टोर करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो स्टोर करता है। जीरो डिफॉल्ट वैल्यू इसमें रहती है, ये जीरो डिफॉल्ट वैल्यू का क्या पढ़ना है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे वेरिएबल स्टोरिंग में। फिर एट बिट्स की मेमोरी टोटल लेता है और रेंज निकल के आ रही -128 से लेकर +127 तक, यहाँ तक क्लियर है? शॉर्ट यदि आप यूज करते हो तो वही इंटीजर टाइप के वैल्यू, दो बाइट -32,768 से +32,770 तक की वैल्यू स्टोर होगी। इंट लोगे तो चार बाइट यानी कि -2147, ये देख रहे हो ना भाई, इसको ऐसे नहीं करना, -2147483648 से लेकर 2147483647 तक की वैल्यू, लॉन्ग की ऐसी पढ़ लो, फ्लोट की पढ़ लो, डबल की पढ़ लो, ठीक है? इसी टाइप से कैर की अपन बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो टू बाइट की मेमोरी होती है, जीरो से लेके 65535 तक की वैल्यू इसमें स्टोर होती है। कहाँ से? जीरो से लेके 65535 तक, ये नंबर में बता दिए, इसमें जो लिखा हुआ हेक्साडेसिमल के फॉर्म में, यूनिकोड फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है? स्लैश यू 000 से लेकर स्लैश यू FFFF तक की रेंज इसमें होती है, यानी कि जीरो से लेके 65535 तक की रेंज होती है, ठीक है? अब काम कैसे हो रहा, वापस से आते हैं अपन, ठीक? तो अब ये निकला कैसे, ये जो आंसर दिख रहा है आपको, ये कैसे निकला, इस पे अपन को फोकस करना है, ठीक है? ये कैसे निकला, इस पे अपन को फोकस करना है, ये कैसे निकल के आए, इस पे फोकस करना है। तो इनके बेसिकली फॉर्मूलेज होते हैं, ये नोट करना है क्या, ये वाला नोट करना, नहीं तो मैं मिटाऊंगा, ये नहीं मिलेगा तुमको यहाँ पर, ठीक है? हटा दू, सबसे पहले अपन आए यहाँ पर वापस से, सब बोर्ड का काम मैं इसी में कर रहा हूँ, ठीक है? तो ठीक है, चलो। इसमें दो टाइप के नंबर होते हैं, या तो नंबर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, यानी कि सॉरी, या तो साइंड होगा या फिर अनसाइंड होगा। अभी अपन बात करते हैं साइंड पर, साइंड मतलब बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सब साइंड में आते हैं। और अनसाइंड की बात करें तो हमारा कैर अनसाइंड में आता है, ठीक? क्योंकि इंटरनली तो नंबर के बेस पर ही वर्क कर रहा है ना वो कैरेक्टर, ठीक है? सो साइंड के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है? (2^n-1) क्या 2^n-1, ये उसका फॉर्मूला है। अब भैया अपने पास क्या है, वन बाइट है, वन बाइट मतलब 8 बिट, मतलब 2^8-1, 2^8-1, 8-1 मतलब 2^7, ऐसे ही
अभी अच्छा नहीं, अभी तो देखो अभी गड़बड़, अभी फिर बोलोगे अरे सर अभी तो कंप्लीट नहीं। तो टू टू दी पावर ऑफ एन माइनस वन मतलब सेवन, ऐसे ही। तो टू टू दी पावर ऑफ सेवन निकालोगे तो भैया 128 आएगा आंसर, आएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने क्या बताया कि बाइट की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, माइनस 128 से लेकर प्लस 127 तक की रेंज होती है, अभी बताया मैंने, बताया ना। तो अब देखो कैसे होता है। तो यदि अपन इसको जीरो से शुरू करते, जीरो से शुरू करते तो कहां तक जाएगा भाई, 127 तक जाएगा। और यदि अपन वन से स्टार्ट करेंगे तो कहां तक जाएगा, 128 तक जाएगा, है ना। तो अपन ने पहले वन से शुरू कर लिया ऐसा, फिर जीरो से शुरू करें कोई बात नहीं। तो अब यदि अपन बात करें जीरो, सॉरी वन मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन, वन मतलब माइनस, अभी बताया था माइनस 128, जीरो मतलब पॉजिटिव 127, रेंज निकल के आ गई कहां से कहां तक, माइनस 128 से लेकर प्लस 127 तक। समझ में आया कि नहीं आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, किसका, ये बाइट का था, ये अपन ने शॉर्ट का ले लिया, शॉर्ट मतलब टू बाइट्स मतलब 16 bits, 16 bit मतलब 2 to the power of हाजी 15, है ना, 16 माइनस 1 हो गया 15, ये 15 हो गया, ऑल ओके, ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या निकल के आई, 2 के ऊपर 15 का पावर, 15 का पावर करोगे तो क्या आंसर निकल के आएगा, 32768 निकल के आएगा, नहीं आएगा, 15 पे कर रहे हैं इसलिए, 16 पे करोगे तो तुम बोल रहे हो उसको मान लूंगा मैं, तो 32000 से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने माइनस 32768 से लेके प्लस 32760, बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपन काय पर, ओ माय गॉड, अब अपन आते हैं किस पर, ये खत्म कर दो। अब आते हैं अपन अनसाइंड पर, ये साइंड का बताया था मैंने आपको, ये साइंड वाले पे किया जिसमें अपन ने बाइट पे किया और शॉर्ट पे किया, अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं किस पे, अनसाइंड पर। अनसाइंड क्या बोल रहा है, अनसाइंड जैसे कि केयर, ठीक है, केयर ऑल ओके, ठीक है, ठीक, अनसाइंड मतलब केयर, ऑल ओके। अब अनसाइंड मतलब केयर का मतलब क्या होता है, यहां पर अपन ने शुरू किया कहां, जीरो से लेकर 65535 तक जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी रेंज कितनी होती है, 65536 तक। टोटल जो नंबर्स होते हैं 65536 होते हैं, तो शुरू कहां से होगा, जीरो से शुरू हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव कोई सीन नहीं है, तो भैया जीरो से शुरू हुआ 65535 हो गया, खेल कर बस, एक तो पार्ट आया समझ के, इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। और ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, क्यों, आप लोगों को समझ में आ रहा है ऑनलाइन, सारी चीजें नोट कर रहे हो, नोट कर रहे हो कि नहीं, गप्पे में तो नहीं बैठी हो, हाँ ठीक है, चलो माइक ऑफ कर लो,
चलो बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट। यहाँ तक फॉलो के ये सर नो, ठीक है बन जाएगा, समझ में आ गया कि कहाँ पे कितना। इसलिए ये अलग अलग बना के दिए हैं कि जब अपन को बहुत छोटे नंबर्स की जरूरत हो तो क्या यूज कर लो भैया, बाइट यूज कर लो, इतना बड़ा 4 बाइट का इंट लेने की जरूरत ही नहीं, शॉर्ट ले लो। अपन हर बात में इंट 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 को लेते फिरते हैं तो जैसा जरूरत नहीं है तो काय को जबरदस्ती में अपन तो ज्यादा मेमोरी बना के रखे, समझ में आया। इसलिए इन्होंने अलग अलग मेमोरी साइज बना के दिए, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कैर बुलियन, ठीक है। और बुलियन के लिए हम क्लोज कर रहा हूँ मैं, बुलियन के लिए हम लोग क्या स्टोर करते हैं, यूज करते हैं बुलियन के लिए ट्रू और वैल्यू, ट्रू और फॉल्स स्टोर करते हैं। अब जितने भी अपन ने डेटा टाइप अभी देखे हैं सबको अपन प्रैक्टिकली करते हैं। सबसे पहले मैंने ओपन किया नोटपैड, ठीक है ऑल ओके, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। नया मैंने प्रोग्राम बनाया, पब्लिक क्लास नाम दे दिया डेटा टाइप्स, ऑल ओके चलेगा, पब्लिक ओके आर्गुमेंट्स ऑल को ओके, फिर सब अच्छे से आता है, पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब अपन ने वेरिएबल्स लिए, बाइट टाइप का लिया फॉर एग्जांपल बीटी, नंबर रख दिया 128, सही है कि गलत है, गलत, एरर दे देगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -128 से लेके 127 तक, क्लियर है। छोटा सा नंबर ले लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट में गया मैं, शॉर्ट एसटी इज इक्वल टू, और नंबर दे दिया, सही है कि गलत है। अरे अभी बताया ना कि 32,767 तक ये लेके जाएगा, इससे ऊपर एक भी नंबर होगा तो एरर दे देगा, क्लियर है। अपन ने स्टोर कर ली इंट आई आई इज इक्वल टू नंबर, गलत सही, सही है कोई दिक्कत नहीं, बड़ा नंबर नहीं है। लॉन्ग ले लिया एल एल इज इक्वल टू नंबर दे दिया, नो प्रॉब्लम। फ्लोट पे आए, ध्यान से देखना कैसे स्टोर करते हैं, जावा में डेटा टाइप्स की वैल्यू को भी अलग अलग तरीके से स्टोर किया जाता है। सो एफ एफ इज इक्वल टू कुछ भी नाम ले सकते हो वेरिएबल का, और नंबर दिया मैंने दिस वन पॉइंट दिस वन, ये एरर दे देगा क्योंकि जावा में फ्लोट डेटा टाइप को हम स्टोर करते हैं तो सफिक्स में एफ लिखते हैं यदि हमने पॉइंट वाली वैल्यू लिखी है तो, समझ में आया। फ्लोट आप काय के लिए यूज करते हो, पॉइंट वाली वैल्यू के लिए। तो जब आप नंबर लिखो और यदि कुछ नहीं लिखो इसके बाद तो ऑटोमेटिक ये पॉइंट जीरो में कन्वर्ट कर लेगा ऑटोमेटिक, लेकिन यदि आपने इसके पीछे कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू लिखी तो 100% आपको क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में, एफ सफिक्स लिखना कंपलसरी है, क्लियर। आगे बढ़ा मैं, डबल डी डी इज इक्वल टू फिर नंबर दिया, पॉइंट नंबर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऑल ओके। अगेन आया मैं कैर सी एच बराबर, अब कैसे लिखते हैं कैर को, कैरेक्टर के लिए हम सिंगल कोट का यूज करते हैं, सिंगल कोट के अंदर कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं, स्मॉल कैपिटल है ना कैरेक्टर्स कुछ भी, अल्फा न्यूमेरिक्स कुछ भी स्टोर करते हैं, सिंगल स्टोर होगा, ठीक है। आपको कोई सिंबल स्टोर करना है एट द रेट कोई दिक्कत नहीं, सिंगल स्टोर होगा, एक ही स्टोर होगा, ऑल ओके। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सर, हाँ कुछ भी लिख दो, सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए बस, ठीक है ये स्टोर होगा। फ्लोट में थोड़ी होगा भाई मेरे, यहाँ पे तो ये लिखना पड़ेगा अपन को, स्मॉल लिखते स्मॉल सफिक्स है ना, यहाँ पे ये लिख दिया अपन ने। अब अपन बात कर रहे थे कैर के बाद अपन ने लिया बूलियन, बूलियन बी एन इज इक्वल टू, या तो ट्रू रखो, इसमें डबल कोट सिंगल कोट कुछ नहीं लगेगा, ये फिक्स्ड वैल्यू है, जावा का एक रिजर्व वर्ड है, ये भी लिटरल के लिए यूज किया जाता है, ट्रू फॉल्स और नल, ऐसे तीन लिटरल अलग से सिखाऊंगा मैं जो कि वेल फिक्स्ड वैल्यू है, तो ट्रू लिख दो या फिर फॉल्स लिख दो। स्मॉल कैपिटल चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसे ही, स्मॉल मतलब स्मॉल ही पूरा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया कि कीवर्ड या रिजर्व वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं, तो ट्रू और फॉल्स रिजर्व वर्ड है, काय के लिए, वैल्यू के लिए, बूलियन टाइप की वैल्यू रखना तो इसके लिए ऐसा, ठीक है। एक और डेटा टाइप अपन ने यूज किया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नाम लिया अपन ने एस एस बराबर, और मैंने बोल दिया राधे, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन इसको एक एक करके प्रिंट करते हैं, तो मैं लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, नहीं आया तो भैया बहुत सारा छूट गया तुम्हारा, बी टी लिया अपन ने, स्पेस दिया, फिर एस टी
फिर प्लस लिया, स्पेस दिया, प्लस आई प्लस स्पेस, फिर एल एल, फिर प्लस स्पेस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर एफ एफ, फिर प्लस स्पेस, फिर डी डी, फिर प्लस डबल कोट स्पेस, फिर सी एच, फिर डबल कोट स्पेस, फिर डी एन, एक ही लाइन में प्रिंट कर रहे हैं सब कुछ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन ने क्या करा, सेव करा, किस नाम से, डेटा टाइप, कंट्रोल एस, तो नाइट बैच है, ओके ऑल ओके, डेटा टाइप डॉट जावा, ऑल फाइल्स किया अपन ने सेव, सेव करने के बाद आया मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को किया ओपन। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद कुछ दिन में मैं आईडी पे भी आऊंगा, थोड़ा अभी रुक जाए ना, तो सीडी डेस्कटॉप और सीडी, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर नहीं है वो, डी ड्राइव में था एक्चुअली, डेटा टाइप डॉट जावा, जावा डेटा टाइप, ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, स्ट्रिंग, ऑल ओके, इन सब ने यहां तक वैल्यू को स्टोर किया है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है ये वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहा है। स्ट्रिंग एक रेफरेंस डेटा टाइप है, रेफरेंस डेटा टाइप मतलब जो एड्रेस को स्टोर करते हैं। जावा में रेफरेंस डेटा टाइप तीन होते हैं, कौन कौन से, स्ट्रिंग, अरे और ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग, अरे और ऑब्जेक्ट जावा में रेफरेंस डेटा टाइप है। रेफरेंस डेटा टाइप का मतलब होता है जो एड्रेस को स्टोर करते हैं, यानी कि वैल्यू बनेगी, वैल्यू का एड्रेस ये रखेंगे, सर फिर कितना मेमोरी बनेगा, क्योंकि इनकी तो फिक्स थी भैया, बाइट लिया वन बाइट, इसकी दो बाइट, इसकी चार बाइट, इसकी आठ बाइट, चार बाइट, आठ बाइट, दो बाइट, एक बाइट, सबकी फिक्स थी। लेकिन यहां पर क्या, अब ध्यान से समझो, रेफरेंस डेटा टाइप रेफरेंस को स्टोर करने के लिए, एड्रेस को स्टोर करने के लिए दो बाइट की मेमोरी लेता है, और जो वैल्यू बनी है उस वैल्यू की मेमोरी साइज अलग होगी, यानी कि राधे का एड्रेस स्टोर करने के लिए एसएस ने दो बाइट की मेमोरी ली। दो बाइट की मेमोरी लेने के बाद सर राधे की मेमोरी कितनी, अब राधे की मेमोरी भी बनेगी, कैसे बनेगी इस पे अपन डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। तो मैंने यहां पर अगेन मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम बराबर इन्फो विहान, ऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है एकदम। थोड़ा सा साइज अपने इसको स्क्रीन कर दे, इंक्रीज कर देते हैं, परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, परफेक्ट। अब ध्यान से समझना, इसने, किसने, इस नेम ने, नेम नाम के वेरिएबल ने इन्फो वियान की मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने के लिए टू बाइट की मेमोरी, यहां पर कितने बाइट की मेमोरी, अब ये इन्फो वियान का मेमोरी अलग बनेगा मेमोरी के अंदर, सो कितने कैरेक्टर हैं, नौ कैरेक्टर हैं टोटल, आई एन एफ ओ वी आई डबल ए एन। अब कोई पूछे सर आपने सिंगल ए क्यों नहीं किया, तो भैया आठ हो रहे थे इसलिए मैंने नौ कर दिया, ठीक है, तो ऐसे नाइन कैरेक्टर यहां पर है। जावा में एक कैरेक्टर दो बाइट की मेमोरी लेता है, अभी पढ़ा था अपन ने, सो भैया दो बाइट मल्टीप्लाई बाई कितने कैरेक्टर, नौ कैरेक्टर, यानी कि कितनी मेमोरी बनेगी, बोलो 18 बाइट की मेमोरी अलग बनेगी, समझ में आया, यानी कि 18 बाइट ये और दो बाइट की ये। अगेन मैंने एक और लिखा, फिर लिख दिया स्ट्रिंग एक्स इज इक्वल टू और जय, ठीक है, जय जी, ओके, ध्यान से देखना इसको, थोड़ा सा चेंज मैंने किया है, स्पेसिंग का भी यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है। बोलो भैया कितने बाइट की मेमोरी बनेगी, बोले सर दो बाइट की, तो मेमोरी एक्स के लिए चाहिए, काय को, ये जय जी को रखने के लिए, जय जी का एड्रेस रखने के लिए। अब जय जी में कितने कैरेक्टर हैं, छह कैरेक्टर हैं, कितने कैरेक्टर हैं, हाँ विद स्पेस का काउंट किया जाता, तो 1 2 3 और 1 2 3, तो छह स्पेस, छह यहाँ पर है, तो 6 × 2, एक कैरेक्टर टू बाइट की मेमोरी, कितना हो गया टोटल,
हाँ जी 12 वाइट यहाँ पर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? नंबर 3 टू वाइट डबल कोट में कुछ भी रखोगे वो 2 वाइट ही माना जाए, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, अगले पर आया, बोले सर मान के चलो अपन ने इंटीजर टाइप का एक अरे बनाया, ध्यान से देखना यहाँ पे, इंटीजर टाइप का अपन ने क्या बना दिया, अरे बना दिया, ठीक है। अरे में अपन ने वैल्यूज रखी 11, 22, 33 और 44, कितनी वैल्यू टोटल, एक और कर दी मैंने 55, टोटल मैंने वैल्यू कितनी रखी, 5 वैल्यू रखी है, ठीक है। ए ए एक अरे है, यानी कि 2 बाइट की मेमोरी लेगा, यानी कि इसके एड्रेस को, इस पूरे के एड्रेस को रखने के लिए ए ए नाम ने कितने बाइट की मेमोरी ली, 2 बाइट। अब भैया कितने इसमें कंटेंट रखे हुए, कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू, कितनी बाइट की मेमोरी बनेगी आकाश कुमार जी, अक्षत बोलो, मुस्कान, श्रद्धा, श्रद्धा मुस्कान, एन गलत, 20 बनेगी, क्योंकि जावा में इंट कितना लेता है, 4 बाइट लेता है, तो 4 4 4 4 4, तो 5 टोटल वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 4 बाइट, यानी कि 20 बाइट की मेमोरी यहां पर अलग से बनेगी, समझ में आया कि नहीं आया? एड्रेस ये सर पहले एलिमेंट का एड्रेस, जैसे सी प्लस प्लस, स्वर्ण कहाँ रहता है, मैंने पान वाले भैया से जाके पूछा, तो पान वाले भैया ने बोला 2 रुपए दो तो मैं स्वर्ण का एड्रेस बता दूंगा, मैंने 2 रुपए दिए, यानी कि उसने सिर्फ एड्रेस को रखने के 2 रुपए लिए। अब स्वर्ण जहां पर रहता है भैया उसकी साइज अलग है, हो सकता है 1540 के प्लॉट पर रहता हो सकता है 1550 के, हो सकता है 1500 स्क्वायर फीट, समझ में आया कि नहीं आया? वो C++ में वो पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करते, क्या बोल रहा हूँ, जो मैंने बताया वो ही है, अभी क्या बताया पूरा लेगा, ठीक है। तो कई लोग बोलते सर जावा और जावा स्क्रिप्ट तो एक जैसे ही होंगे, तुमने तो बोल दिया, मैं बता रहा हूँ जो जिनको पता नहीं रहता उनकी, तो मैं उनको बोलता हूँ जितना कार और कारपेट में डिफरेंस है उतना ही जावा और जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंस है। अब कार का कारपेट से क्या कनेक्शन, बोले कुछ भी नहीं, तो ये ऐसी जावा का जावा से क्या कनेक्शन, बोले कुछ भी नहीं, लेकिन बोले जावा और जावा स्क्रिप्ट को साथ में रख सकते हैं क्या, बोले हाँ रख सकते हैं, बोले कार और कारपेट को, बोले हाँ रख दो भैया कारपेट पे कार चला दो कोई दिक्कत नहीं है, या कार पे कारपेट चढ़ा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टूड, ऐसा रहता है और क्या, ठीक है बन जाएगा अभी। अब ये अपन ने डेटा टाइप्स वगैरह पढ़े, आगे अपन अगला जो सेशन रहेगा कल अपन डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स पे कैसे काम होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक वगैरह कैसे काम करता है, इंस्टांस क्या होता है, नॉन स्टैटिक क्या होते हैं, बहुत शानदार चीज, और थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना, बहुत शानदार चीज पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ा लगेगा कि अच्छा जावा अब पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हैवी पार्ट स्ट्रॉन्ग पार्ट आने वाला है, इसको क्लीन क्लोज कर दूँ, चलो भाई ऑल ओके, और कोई डाउट क्वेरी परेशानी हैरानी तकलीफ हो तो बता सकते हो, ठीक, चलो ओके ओके, बाय एवरीवन।